पखांजुर क्षेत्र के अवधपुर जलाशय का पानी कम होने से हजारों किसानों को अब फसल की चिंता सताने लगी। दरअसल अवधपुर बांध में लीकेज होने के कारण भारी मात्रा में पानी खेतों में बह गया। पानी के बहाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बांध के दो गेट खोले और इस बीच गेट भरभराकर गिर गया। बांध में भरा 90% पानी खाली हो गया। अब ये सिर्फ मरम्मत का काम यहां पर अभी फिलहाल चल रहा है और बांध 37 हेक्टेयर यानी करीबन 93 एकड़ एरिया में बना हुआ है, जो कि 7 गांव में पानी की आपूर्ति करता है। अब बांध का पानी खाली होने से किसानों को खड़ी फसल को बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो दरार की सूचना पहले दी गई थी, लेकिन इस पर कोई 133 मैं आपको बता दूं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो पखांजुर का नाम सबसे पहले आता है और कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग का नाम भी उसी लिस्ट में पहले स्थान पे आता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं संपूर्ण जो तालाब है, ये जलाशय पीपी 133 आबादपुर का जलाशय है। 9 अगस्त को एक खबर निकल कर सामने आई थी कि पीपी 133 के जो जलाशय है उसमें लीकेज हुआ है, उसमें दरार पड़ी है, जिसके चलते जो यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है और धीरे धीरे वह बृहद रूप लिया और यहाँ के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जो अब टल चुका है क्योंकि जो दो गेट है दोनों गेट को खोल दिया गया, जिसके चलते जो यहाँ का मेड़ टूटने से बच गया और यहाँ नीचे बसे जितने गांव है वो भी बच गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए अब जो है एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ी चुनौती निकल कर सामने आ रही है कि ये जो पूरा जलाशय ये संपूर्ण रूप से खाली होने के कगार पे है। लगभग 70-80% पानी जो है इस तालाब का खाली हो चुका है और आगे जो है किसानों को जो खरीफ की फसल करनी है जिसके लिए भी पानी बहुत जरूरी है, लेकिन ये तालाब पूरी तरह से खराब होने के खाली होने के कगार पे है, जिसके चलते अब किसानों के जो माथे पे शिकंज है कि वे आगे आने वाली फसलों को वे किस पानी से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार जो है जल संसाधन विभाग द्वारा जो है इस गेट की मरम्मत के लिए कार्य किया जा रहा है और पिछले जो मरम्मत का कार्य हुआ था वो बरसात के 2 महीने पहले गर्मी के समय जो है इस मेड़ के जो गेट के मरम्मत का कार्य जो है जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार और इतना गुणवत्ताहीन कार्य जो है इस कार्य में बरताया गया जिसके चलते यहाँ मात्र 2 महीना भी टिक नहीं पाया और यहाँ फिर से लीकेज हो गया और फिर से यहाँ से पानी का रिसाव चालू हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके बाद विभाग किस प्रकार की कार्रवाई ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर करती है जो इस तरह के गुणवत्ताहीन कार्य को लापरवाही के चलते और भ्रष्टाचार के चलते अंजाम देते हैं, अब देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं किसानों के माथे में भी बहुत बड़ी चिंता है उनके आगे आने वाली फसलों को लेकर, अब उनके चिंता को भी किस प्रकार विभाग द्वारा दूर किया जाता है ये भी अब देखने वाली बात होगी। सुमित बड़े, INS न्यूज, पखांजुर। अभी क्या है, अभी तो देखिए अभी जो फसल फिलहाल है अगर पहले से रुकाते तो शायद अभी जो लगा है वो हो जाता, लेकिन वो तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा निकाल दे रहा है पानी, वो तो अभी तो खत्म हो जाएगा, वो तो सूखेगा ही, फिर बाद में जो 4-5 गांव का पीछे से पानी होता था वो तो नहीं होगा, खुद हम लोगों को करोड़ों रुपया तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो अभी पूरा धान का नुकसान होगा, कहे के लिए हम लोग 4.5-5 महीना का धान लगाया, पूरा मिट्टी सूख गया, अभी उसमें पानी का कोई भरोसा ही नहीं है, पूरा डैम खाली हो गया। अच्छा, अभी धान कहाँ से होगा। वास्तविक उस समय विपक्ष के समय हमने लड़ाई लड़े, किसानों का हक का पानी बर्बाद किया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ भिड़ के दोनों को कार्रवाई करवाए, सस्पेंड हुआ। उस SDO को तो उस जगह पर पोस्टिंग नहीं करवाना था, ये निश्चित गलत है। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी किसान इससे आहत है कि ऐसे अधिकारी को यहाँ पर रखना तो बिल्कुल उचित नहीं है। आज मुझे ये पता चल रहा है कि उनका फिर से बहाल हुआ है और इसी क्षेत्र में हुआ है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और संबंधित जो भी उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क साधा जाएगा, किस तरह से और किस नियम के तहत उनका फिर से वही बहाली हुआ है उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी।